सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो नील चैनल को और प्लीज घंटी का बटन जरूर दबाइए हमारे आने वाले नए टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे चैनल टेक्नो नील में। दोस्तों, आज हम उन लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं जो लोग नए नए डीएसएलआर जिन्होंने परचेस किया है। दोस्तों, यस दोस्तों, तो जब डीएसएलआर परचेस करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि डीएसएलआर से शूटिंग करने के लिए कुछ मैनुअल्स, कुछ फंडामेंटल्स रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, बिकॉज आते ही आप सीधे से वीडियोस नहीं बना सकते। तो आज का वीडियो उन डेडिकेटेड यूट्यूबर्स के लिए, उन डेडिकेटेड फोटोग्राफर्स के लिए जो नए डीएसएलआर से अच्छा वीडियो बनाना चाहते हैं। तो मैं हूँ नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मैं आपको यहाँ पे आज पांच लो बताने वाला हूँ, पांच ऐसे फंडास बताऊंगा जो अगर आपने बेसिकली फॉलो कर लिए तो आप बढ़िया क्वालिटी की वीडियोस अपने डीएसएलआर से बना सकेंगे। तो सबसे पहला जो फंडा आता है दोस्तों, वो है आपको दो ऑप्शन हर डीएसएलआर में दिए जाते हैं, ऑटो मोड होता है वीडियो शूटिंग के लिए और एक होता है मैनुअल। तो ऑटो मोड को आप हमेशा अवॉइड करिए, बिकॉज ऑटो मोड हमेशा आपकी वीडियो में कॉम्प्लेक्स क्रिएट करेगा, वो ऑटोमेटिकली सारी चीज अपने हिसाब से करता है। मैनुअल मोड हो सके तो आप ट्राई करिए, मैनुअल मोड में आपको सीखना पड़ेगा, मैनुअल मोड आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर आपने मैनुअल मोड में आपकी मास्टरी कर ली तो उसके बाद आपके वीडियो हो जाएंगे माशाल्लाह सुपर। ठीक है, हमारे आने वाले सेक्शंस के अंदर हम पूरी वीडियो शूटिंग्स के आपको सेशंस देंगे कि डीएसएलआर में कैसे शूटिंग करते हैं, मैनुअल मोड कैसे होता है, ऑटो मोड क्या होता है, वो आपको आने वाले वीडियोस में दिखेगा। लेकिन अगर मैनुअल मोड में अगर आप करना सीख गए दोस्तों तो आपके वीडियो होंगे सुपर। तो पहला फंडा था हमारा, आपको मैनुअल मोड में शूटिंग करना आना चाहिए। दूसरा हमारा जो फंडा रहने वाला है वो है रेजोल्यूशन या फ्रेम पर सेकेंड। यस, रेजोल्यूशन तो आप अपने मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं, 720 हाफ एचडी हो गया, फुल एचडी, 1080 हो गया, 100, या उसके साथ साथ अगर आपका 4K कैमरा आपको अलाउ करता तो 4K में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये तो हो गया रेजोल्यूशन की बात, लेकिन फ्रेम पर सेकेंड ये मैटर करता है। फ्रेम पर सेकेंड तो इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में ज्यादातर मूवीज वगैरह होती है वो 24 फ्रेम पर सेकेंड के हिसाब से बनती है, और इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है फ्रेंड्स वो आती है 50 आवर्स के हिसाब से। तो आपको उसके अंदर थोड़ा देखना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आपके अगर पीछे बैकलाइट में टीवी चल रहा है और आपका रिकॉर्डिंग जो कैमरा है उसको रिकॉर्ड कर रहा है तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज 15 ऑप्स के हिसाब से अगर आपका टीवी के ऊपर अगर आपका मूवी चल रहा है और आपके कैमरा की सेटिंग आपने अगर 30 कर रखी है तो दोनों मिसमैच हो जाएंगे। उसके हिसाब से आपके कैमरा पे जो वीडियो बनेगा उसमें आपको रेड लाइट्स दिखेगी एक तरह की, ठीक है, उसके हिसाब से आपकी वीडियो क्वालिटी को प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको जो अपनी स्टैंडर्ड जो होनी चाहिए, आपकी स्पीड जो होनी चाहिए, आपकी फ्रेम पर सेकेंड, वो स्टैंडर्डली 25 फ्रेम पर सेकेंड होनी चाहिए, जो एक स्टैंडर्ड होती है इंडिया के हिसाब से। तो ये बात हुई आपकी फ्रेम पर सेकेंड, आपको 25 रखनी पड़ेगी। तीसरा जो फंडा है दोस्तों, वो है आपकी शटर स्पीड। तो इंडिया के हिसाब से आपकी शटर स्पीड का अगर लो बना जाए तो आपको रखनी है 50, ठीक है। लेकिन उसमें एक फंडा ये होता है, अगर जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपकी फ्रेम पर सेकेंड 25 है, 25 फ्रेम पर सेकेंड आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा, तो एक लो है यूनिवर्सल कि आपकी जो फ्रेम पर सेकेंड आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है उसको आपको डबल कर देना 1.5, ठीक है। तो जैसे ही अगर आपकी 25 फ्रेम के हिसाब से आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपकी शटर स्पीड आपकी 50 होनी चाहिए। अगर लेकिन अगर आपको आप हाई रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपको स्लो मोशन दिखाना है उसके अंदर, तो आपको फ्रेम पर सेकेंड ज़्यादातर बड़ी बड़ी आप देखेंगे मूवीज में कभी कभी स्लो मोशन में अगर आपको पिक्चर बनाना है तो वो अपनी फ्रेम पर सेकेंड 60 रखते हैं। अगर आपकी 50 है, 50 या 60 अगर आपने फ्रेम पर सेकेंड रखा है तो आपको शटर स्पीड जो होगा उसका डबल कर देना है, मतलब आपको या तो 100 कर देना है या तो 120 कर देना है। लेकिन स्टैंडर्ड अगर आप वीडियोस बनाते हैं तो आपको फ्रेम पर सेकेंड 25 ही रखना है दोस्तों, जो एक स्टैंडर्ड वीडियो के लिए होता है, और उसके साथ साथ आपको शटर स्पीड जो होगा आपको रखना है 50। तो ये होगा शटर स्पीड जो आपको रखनी है 50 इंडिया के हिसाब से। अब चौथा जो फंडा है दोस्तों, वो है वाइट बैलेंस। यस दोस्तों, वाइट बैलेंस आपकी पूरी पिक्चर को, पूरी मूवीज को ऑटोमेटिकली, अगर आप में दो ऑप्शन आपके डीएसएलआर में दिए जाते हैं वाइट बैलेंस को, या तो आप ऑटोमेटिक मोड पे रख दीजिए या तो मैनुअल में रखिए। ऑटोमेटिक मोड पे रखने पे क्या होगा दोस्तों, कैमरा सब कुछ करने लग जाता है। सडनली अगर मैंने ब्लैक टी शर्ट पहनी, अगर यहाँ पे मैंने ग्रीन, व्हाइट और अलग अलग पहनी होती है, पीछे व्हाइट डॉट्स आपको दिख रहे हैं, तो जो होता है कन्फ्यूज हो जाता आपका कैमरा, फिर क्या करता है वो ऑटोमेटिकली आपकी पूरी मूवीज के अंदर आपको व्हाइट को कभी ज्यादा कर देगा, कभी कम कर देगा, कभी ज्यादा कभी कम, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए उसको मैनुअल मोड पे रखिए, ठीक है, सेट कर लीजिए पहले आपकी दीवार के हिसाब से, व्हाइट दीवार के हिसाब से सेट कर लीजिए, उसके बाद कर सकते हैं। अदरवाइज उसके बाद ही हम YouTube वीडियो बनाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर तो हमारे पास होता है एडिटिंग के लिए, तो वहां पे आप स्पेशली व्हाइट बैलेंस को मैनेज कर सकते हैं
अगर आपने व्हाइट बैलेंस को ऑटोमेटिक मोड पे रख दिया तो आपको वीडियो में 50 जगह फ्लक्चुएशन दिखेगा, इसलिए इसको मैनुअल पे रखिए। और अगर वीडियो शूट होने के बाद अगर आपको लगता है कि इसमें व्हाइट कलर थोड़ा ज्यादा नहीं है, ठीक नहीं है, तो उसको आप एडिटिंग के टाइम पे थोड़ा सा एडिशनल डाल सकते हैं, उसको थोड़ा सा ब्राइट कर सकते हैं। तो व्हाइट बैलेंस डेफिनेटली दोस्तों आपको आपके वीडियो के अंदर मैनुअल पे ही रखना है, उसको आप ऑटोमेटिक पे कभी मत रखिए। और पांचवा सबसे बड़ा गुरु मंत्र रहेगा, फंडा ये रहेगा दोस्तों, वो होता है माइक, आपकी ऑडियो क्वालिटी। क्योंकि वीडियो क्वालिटी अगर आपकी बढ़िया बन गई, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपका ऑडियो अच्छा नहीं है तो दोस्तों कोई आपका वीडियो नहीं देखेगा, क्योंकि आपकी वीडियो क्वालिटी के साथ साथ आपकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये आपको हमेशा सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपके आपका जो कैमरा है जो आपकी आवाज रिकॉर्ड ना कर रहा हो, आपके लिए डेडिकेटेड एक आपके पास एक माइक होना चाहिए। मैं नहीं बोलता कि 10,000, 20,000, 30,000 वाले जो बड़े बड़े गुरु जी वगैरह यूज करते हैं, महंगे महंगे, ठीक है, रोड्स वगैरह के यूज करते हैं, ऐसे बड़े बड़े लोगों को आपने देखा होगा, वो करने की जरूरत नहीं। आप सिंपल सा लेपल माइक ले सकते हैं, आप कॉलर पे लगा सकते हैं आराम से, ठीक है, या तो अपने कैमरे से अटैच कर सकते हैं, या तो आप ऊपर के लगा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, वीडियो की फ्रेम में नहीं आएगा, तो कर सकते हैं। यहाँ तो सबसे बड़ा एडवांटेज मैं आपको बता दूं, लेपल माइक 300-350 का आता है, मैं उसका लिंक भी आपको नीचे दे दूंगा, वो आप अपने स्मार्टफोन से लगा सकते हैं, 3.5mm के जेक में वो लग जाएगा, स्मार्टफोन को फोन इसमें डालिए, एप्लीकेशन आती है, एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, और आप पूरी जो आपकी रिकॉर्डिंग है वो आप आराम से फोन में रिस्टोर कर सकते हैं, बाद में आप उसको लैपटॉप में डाल के सिंक कर सकेंगे एडिटिंग के टाइम पे, लेकिन उससे आपकी वॉइस क्वालिटी होगी बढ़िया आने वाली है। तो आपका वीडियो क्वालिटी तो आपका DSLR बना कर बढ़िया कर ही देगा, लेकिन उसके साथ साथ आपकी ऑडियो क्वालिटी, अगर माइक आप 300-350 रुपए का लैपल माइक भी ले लेंगे, कोई ज्यादा बड़ा खर्चा नहीं है, तो आपकी वीडियो क्वालिटी के साथ साथ आपकी ऑडियो क्वालिटी भी हो जाएगी सुपर, और उसके बाद कोई भी आपको सक्सेस होने से नहीं रुकेगा। तो आज पांच फंडे मैंने आपको बताया एक नए DSLR अगर किसी ने लिया है, तो पांच ये चीजें बेसिक चीजें अगर आप दोस्तों अगर याद रखेंगे आपने वीडियो शूटिंग के दौरान पे, तो आपका वीडियो बनेगा सुपर और उसके बाद आप हो जाएंगे सक्सेसफुल, ठीक है। तो आज आपका दोस्त टेक्नोनील लेके आया था कि बेसिक पांच चीजें आपको ध्यान रखनी थी, वो सारी चीजें अगर आपने कर ली उस हिसाब से तो आपका वीडियो हो जाएगा बढ़िया। तो थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए। हमारी आने वाली सीरीज में, DSLR सीरीज में, हम आपको बताएंगे कि मैनुअल में किस तरह से शूट किया जाता है, ऑटोमेटिक में किस तरह शूट किया जाता है, कौन कौन से कैमराज मार्केट में अच्छे, उनकी सेटिंग्स क्या है, सब कुछ आपको बताते जाएंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, प्लीज सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव चीजें हम आपके लिए फ्यूचर में लेते आते हैं। और घंटी का जो बटन है उसको जरूर दबाना, क्योंकि नए वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी, सबसे पहले आपको पता चलेगा कि हमने नया वीडियो डाला है, तो सबसे पहले आप देख सकेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए, हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग माय फ्रेंड्स, बाय बाय।